तो आज कन्नौज में मैं माहौल क्या है जानने के लिए ये आया हूँ कि चर्चा ये चल रही है कि फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव और मैनपुरी से डिंपल यादव और कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से शिवपाल यादव, यादव फैमिली मुलायम सिंह फैमिली की ये पांच लोग शायद इन पांच सीटों से चुनाव लड़ें। कन्नौज से अखिलेश यादव का पुराना रिश्ता रहा है, तीन बार सांसद रहे, दो बार उनकी पत्नी रही हैं और 2019 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से, जैसा मैंने बताया, ये सीट छीन ली। तो अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े तो माहौल क्या है, माहौल क्या रहेगा? और दूसरी बात है कि इंडिया की जो बैठक हो रही है, तीसरी बैठक, उस पर ग्रामीण इलाकों के कस्बे के लोग क्या सोचते हैं, यही मैं जानने के लिए आया हूँ। यहाँ कुछ लोग बैठे थे, मैंने सोचा शुरू करें। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामपाल। रामपाल जी, आप ये बताइए कि कन्नौज का वैसे मोटा मोटी माहौल क्या चल रहा है? हम क्या बताएं, हम लोग देखो आलू व्यापारी, आलू भाव पूछो, हम बताए दें क्या है, राजनीति समय कोई मतलब नहीं। अच्छा, आलू का ही बताओ, व्यापार कैसा चल? आलू व्यापार भैया इस समय पार्टियां सब घाटे जा रही हैं, किसान भी घाटे जा रहा है, घाटे जा रहा है, आलू कुछ मिल ही नहीं रहा है, जहाँ भेज दो बिहार वहाँ बिक ही नहीं रहा, डाला रो रो के बिक रहा है। फरुखाबाद, कन्नौज और मैनपुरी, ये तो पूरा आलू का बेल्ट है। बेल्ट है आलू का, लेकिन हर किसान की यही पोजीशन है जो हम आपको बता रहे हैं, बाहर बिक ही नहीं रहा आलू, जहाँ भेज देते हैं। एक गाड़ी देखो आज जा रही 16-17 हज़ार घट के आई है, मतलब नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कहते रहे सरकार वाले, तो कहते हम तो किसानों की स्थिति ठीक कर दी, अब क्या करें, किसान की स्थिति सामने सबको दिखाई रही, सब किसान जान रहा है हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। हाँ, तो पीछे सरकार में ठीक था, अब किसान जो पीछे में था वो ये है, किसान की खाली ये पेट भर भोजन मिल जाता है, और किसान के पास क्या है बताइए आप हमें, किसान कुछ लाभ है, बीच वाले खा जाते हैं, राजनीति ये है। एक बात ये बताइए, जो हम आए जानने के लिए, ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मामला यहाँ चलता रहता है, वो अब इस बार कैसा है? भैया इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, देखिए बात साहब, राजनीति समय कोई मतलब ही नहीं है, वोट देना है चुपचाप, जिसको देना उसको दे देते हैं बस। ऐसा तो नहीं लोग यहाँ बोलना नहीं चाहते? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ किसी कोई दबाव थोड़ा कि बोलना नहीं चाहते हैं भाई, फ्री है आदमी। आप बताइए, अगर अखिलेश यादव चुनाव कन्नौज से लड़े तो इस बार क्या माहौल रहेगा? मसाला कहाँ लेंगे भैया? अखिलेश यादव अगर चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो लगभग उनका अच्छा ही जाना चाहिए। जीत की कोई गारंटी? जीत का कोई कुछ नहीं कह सकता, देखो ये वोट मत है, कब किसको किधर पलट जाता है कुछ पता ही नहीं लगता। अच्छा, ये जो अभी सुब्रत पाठक यहाँ के सांसद हैं, उनका कामकाज कैसा? उनका कामकाज ठीक है बस, और क्या। और सरकार का? सरकार का ठीक है, सरकार का ठीक है। मोदी सरकार का, योगी सरकार? योगी का, योगी 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 मोदी दोनों ही ठीक हैं। योगी सरकार का कौन सा काम आपको ठीक लगता है? योगी का भूमाफिया है, जैसे जितने माफिया भी हैं और भी जितने गुंडागर्दी या जो भी है, पुलिस प्रशासन से लेकर लगभग सब ठीक है, शांति है, शांति है इस वक्त योगी राज में। ये जो सड़क चलते छेड़छाड़ जो औरतन की होती थी, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, वो कम से कम आजकल रिपोर्ट तो लिखी जाती है, आजकल बहुत सुकून है। देखिए अखिलेश यादव के ज़माने में अगर अखिलेश का सहपाठी या उनकी उम्र का वो अपने को मुख्यमंत्री से यादव कम नहीं समझता, और डिंपल यादव के ज़माने में यहाँ कन्नौज में हर बहू अपने को डिंपल यादव समझती थी, बुजुर्ग यादव अपने को सब मुलायम सिंह यादव समझती थी, ये बात है और कुछ नहीं। यादव लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा जो है नंगे। अब तो आप बोल रहे हो तो कोई डर अब तो नहीं है? हमें क्या डर है, हम जनसंघी रहे हैं उस जमाने से जब बरगद का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चुनाव चिन्ह था बरगद का, तब से हम वोटर हैं, और फिर जनसंघ हुआ, हम जनसंघ के जमाने तब है ये भारतीय जनता पार्टी, तो अब बनी है जनसंघ को। तो आप जनसंघी हैं कि संघी हैं कि भाजपा ही? जनसंघ था उस समय जब दीपक था, हम वो भगवा कलर पे दीपक चुनाव, दीपक चुनाव उस समय के हम वोटर। अच्छा, तो ये जो तब इतने पुराने आप हैं, तो अटल जी और आडवाणी जी वाली
दीनदयाल जी वाली जनसंघ और अटल आडवाणी वाली बीजेपी से आज की मोदी अमित शाह की बीजेपी को आप कैसा मानते हैं? बीजेपी को हम बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं, हर मामले में अच्छा मानते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हमें ये है कि ये छुट्टा जो जानवर घूम रहे हैं वो फसलों का नुकसान करते हैं। हम किसान हैं और बढ़िया किसानों में से किसान हैं, क्योंकि कोई आदमी फसल यहाँ देसी नहीं करता है, हम देसी फसल के वो हैं कारीगर। हमारे यहाँ ज्वार आपको देसी मिलेगी, मक्का देसी मिलेगी, बाजरा देसी मिलेगा, ऐसी चीज़ें देसी मिलेंगी, हम उन किसानों में से किसान हैं। छुट्टा तो कुछ कुछ नहीं कर रही सरकार जानवरों के लिए? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, हर जगह डंडा डाल रही है, हर जगह तो दिखाई देते। समस्या है अफसरशाही, कमजोरी अफसरशाही की, कमजोरी अफसरशाही की। अगर हम यहाँ 100-200 बंद कर दें आके, तो उल्टे हमारे ऊपर में हावी हो जाएंगे, ये बात है। और